नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर नगर के बड़ो स्थित बहुतकनीकी कॉलेज में रैगिंग का एक मामला आया सामने। शिकायत के बाद पुलिस ने FIR की दर्ज। रैगिंग का मामला सामने आने पर कॉलेज के दूसरे छात्र भी सहमे हुए आए नजर। केंद्र सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर विकास और अन्य एजेंडों पर कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर जिला भाजपा मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने सिरे से नकारा। अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग भाजपा को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं फिजूल की बयानबाजी। बरसात में इस बार हमीरपुर में जमकर मचाई तबाही। विभाग को 63 करोड़ के करीब पहुंचा नुकसान। बरसात की वजह से खराब हुई सड़कों और डंकों की हालत का किया जा रहा सुधार, कहा PWD सर्कल अधीक्षण अभियंता NPS चौहान ने। हमीरपुर HRTC बस में टेली कंडक्टर का सवारियों ने उलझने और टेली होकर काम करने का वीडियो आया सामने। टेली कंडक्टर ने काटी कई सवारियों की गलत टिकटें। कंडक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, कहा RM हमीरपुर विवेक लखनपाल ने।